हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के यूट्यूब वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यानी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जर्मन क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो जर्मन पढ़ने के कोई एक दो या तीन या चार रीज़न नहीं है कि हाँ ये रीज़न है इस वजह से हमें जर्मन पढ़नी चाहिए। जर्मन पढ़ने के लिए आप कभी भी पढ़ सकते हो, कोई एज का मैटर नहीं है कि भाई इस एज में सीख सकते हो, इस एज में कभी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो देखिए, जर्मन, अगर आप जर्मन सीखते हैं तो फ़ायदे क्या क्या हैं? आप जर्मन बहुत जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि जर्मन बहुत इजी होती है, हिंदी से आप रिलेट कर सकते हो और जो लिखा होता है वही पढ़ना होता है। ठीक है, सेकंड रीज़न, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया। इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली, देन ऑल्सो यू गेट जॉब। इफ़ यू आर लिविंग इन बैंगलोर, कर्नाटका, एनी वेयर यू आर लिविंग, यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। ओके, सो जर्मन इज़ द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज। ओके, जर्मन इज़ द मोस्ट कॉमनली स्पोकन फॉरेन लैंग्वेज, रिमेंबर इट। एंड इफ़ आपको जर्मन आती है, ठीक है, अगर आपको जर्मन आती है, आपको पता है कि आपने अच्छे से जर्मन पढ़ ली, B1 लेवल क्लियर कर लिया, तो आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। जर्मन फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे तो आपको एजुकेशन वहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा जर्मन क्यों पढ़नी चाहिए, पता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। ठीक है, अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो आपको जर्मन ज़रूर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 में से एक बुक जर्मन में ही लिखी होती है, फिर उनको लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जर्मन आती है तो आप बुक ट्रांसलेट भी कर सकते हो, आप बुक राइटर बन सकते हो। ठीक है, वर्क आपको किसी भी MNC में जॉब मिल जाएगी, बहुत सारी MNCs हैं, ट्रांसलेशन की जॉब आपको मिल जाएगी, टीचिंग की जॉब आपको मिल जाएगी। तो जर्मन सीखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सबसे मेन चीज़, अगर आप जर्मन सीख रहे हो तो आपका कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा, सारे पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि जर्मन पढ़ने से कोई भी नुकसान नहीं होता है, आपकी जॉब गारंटी तो पक्की होती है। ठीक है, तो सबको मैं बोलूँगी जो भी जर्मन पढ़ने की सोच रहा है, गो फॉर इट। और अगर कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। और लाइक करना मत भूलना वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि जर्मन में ABCD कैसे बोलते हैं। तो फिर सब उसके लिए आप सबको लाइक करना पड़ेगा और बेल को बजाना पड़ेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।